नमस्ते फ्रेंड्स, मदर्स प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले सुबह सुबह सरगी खाते हैं, तो चलिए दिखाती हूँ कि सरगी में मैंने क्या बनाया और क्या क्या होता है। तो चलिए जल्दी, टाइम कम है। तो सरगी में हम लोग क्या क्या देते हैं, चलिए दिखाती हूँ। जो खाना बनाया होता है परांठा, ये मेन होती है सेवैयों की खीर, फेमनिया बोलते हैं इसको। और सब्जी में गोभी आलू बनाया, जैसे ये सूखी वाली फेमिया ऐसी वाली होती हैं। और ये पैसे, ये नारियल भी ज़रूरी होता है, ये मिठाई, ये सुबह का सामान, फल और कुछ भी आपकी मर्जी है। ये सिर्फ सरगी के लिए होता है। जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो रात को सासू माँ को देते, उसको बेहा बोलते हैं। तो जैसे ये है, अभी हम इसकी थोड़ी बहुत पूजा करेंगे, फिर जाके हम ये किसी सुहागन औरत को देंगे। जब मंदिर में भी चढ़ा सकते हो, लेकिन मंदिर में आप सुहाग का समझ रहे, ये किसी सुहागन को दीजिए तो ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। तो जैसे ये हमने नीचे रख दिया फर्श पे, हमेशा पूजा फर्श पे ही होती है। तो छोटी गिलास में पानी ले लीजिए और इसको 7 बार घुमाइए, और जो आपकी मनोकामना वो दिल से कहिए, पूरी हो जाएगी करवा माँ, करवा चौथ माता पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सरगी खाने का टाइम हो गया, चलिए दिखाती हूँ मैं सरगी में क्या क्या खा रही हूँ। कि मैं ज़्यादा खाया तो नहीं जाता, पर होना चाहिए सारा जो ज़रूरी है। सबसे पहले ये नारियल और ये सेवैयों की खीर ज़रूरी है, और जो भी आप रोटी परांठा खा रहे हो, सब्जी, ये मैंने चाय बनाई है, और यहाँ पे ये मेरा खाना और कुछ मिठाई फल। और इतना खाया नहीं जाएगा, पर जो खाएगा खाना पड़ेगा। करवा चौथ पे सरगी खाना बहुत ज़रूरी है, तो भाई थोड़ा खाओ ज़्यादा खाओ, तो खाना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, फिर मैं आगे मिलती हूँ कि मेरी आगे करवा चौथ के लिए क्या क्या तैयारी है। इसलिए मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए। तो आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सजो संवरो आज अपने पतिदेव के लिए। बाय बाय। ये देखो मेरी मेहंदी और दूसरा हाथ, रंग तो बहुत अच्छा है। तो फिर उसके बाद सेल्फी तो बनती है, हबी मेरे साथ उठ जाते हैं। ये देखो मेरी शोना ने भी मेहंदी लगाई है। शोना दिखाओ, अरे वाह, अब हैंडवा के देखो कितनी अच्छी चढ़ी है शोना। शोना चूड़ियाँ भी पहनी है, शोना रेडी हो गई। शोना आज क्या है? हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिन के लिए रेडी हो गई। ये मेरा दिन का पूरा लुक है, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अभी इतना तैयार नहीं हुई हूँ, पूजा वगैरह करनी थी, इसलिए आज का दिन तो वैसे भी तैयारी होना है। दिन में हो रात में अलग तैयार हो, तो मैं दिन का आउटफिट दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए दिखाती हूँ, हाथों की मेहंदी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी चढ़ गई है, ये देखो। इसमें नाम किस किस का है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। दो नाम इधर लिखे हुए हैं, एक नाम ही तो लिखा हुआ है, बताना मुझे। तो अभी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। मैंने सोचा है कि खाना अभी से बना दूंगी, बाद में गर्म करके खा लेंगे रात को। ये मैंने खुद ही लगाई है, मुझे मेहंदी लगाना इतना आती नहीं है, तो ये ऐसे बस शगुन तो करना ही होता है। तो ये देखिए थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा लुक। कैसी लग रही हूँ मैं अभी? तो मैं सिंपल लुक दिया है क्योंकि काम भी तो करना है, अभी खाना बनाना रात के लिए, अभी से खाना बनाऊंगी, तो इसलिए मैं बिल्कुल कंफर्टेबल ड्रेस लिया है, ये जिससे काम भी हो जाएगा और बिल्कुल आरामदायक है ये ड्रेस। कंट्रास्ट कैसा है इसका पर्पल, मुझे तो बहुत ही सुनो। यही बात है, ये हबी की चॉइस है, मैं कैसे मना कर सकती थी हबी की चॉइस को। तो ये फुल में ऐसे है, उसमें आ नहीं रहा था, तो ये देखते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये मैचिंग चूड़ियाँ, ये तो दिन का लुक हुआ, रात का भी देखना है तो मेरा ब्लॉग पूरा देखना आपको,
रात का लुक भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो उसके बाद सेल्फी तो लेना बनती है भाई, तैयार हुए हैं और करवा चौथ भी साल में एक ही बार आती है, तो उसके लिए पूरी गैलरी तो फुल करनी होती है। तो ये देखिए पिक्स, और आपको कौन सी अच्छी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा, और ये कलर मेरे पास था भी नहीं, पर्पल वैसे बहुत सुंदर कलर होता है, इसलिए बहुत प्यारा कलर है। और आज तो करवा चौथ था अलग ही निखार आता है पतिदेव के प्यार का। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स खाने की तैयारी शुरू हो गई है, मैंने बोला जल्दी दिखाना निपटा लेती हूँ। तो क्या चल रहा है, चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं सोचा दही बड़ा बना लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने दाल भिगो दी थी, मैंने 4 घंटे पहले ही सुबह ही मैंने भिगो दी थी। अब इसको अच्छे से पीस कर इसके बल्ले बनाएंगे और दही बल्ले बना लेंगे। तो चलिए जल्दी से काम निपटाते हैं। मैंने बैटर बना लिया, ये देखो बीच में अदरक डाली हुई है, और बीच में अदरक डाली और किशमिश के दाने बस, और नमक थोड़ा सा हल्का सा। बना रही हूँ मैं दही, इसमें मैं छान के बना रही हूँ, बिल्कुल क्रीमी दही बने। देखो नीचे पानी, दही का पानी नीचे चला, सिर्फ इसमें दही। और इधर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया, तेल गर्म हो रहा है। चलिए हम अपने बल्ले बनाते हैं, फिर मैं पूरा दिखाऊँगी। इधर मेरे बल्ले बन रहे हैं, देखो कितने अच्छे फूले फूले बन रहे हैं। और मैं इधर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आजकल हम सरसों का तेल खा रहे हैं, रिफाइन हमने बंद किया हुआ है। तो ये देखो मेरे बल्ले मैंने एक बना लिए हैं, तो ये देखिए मैं तोड़ के बताती हूँ आपको। ये देखिए इतने सॉफ्ट, गर्म है ना इसलिए बहुत सॉफ्ट है। अब हम इसको, ये गर्म पानी किया हुआ मैंने, गर्म पानी में डाल देंगे। गरम पानी में डालने से थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, थोड़ी देर ही। तो इधर देखो फूल रहे मेरे बल्ले, अब इसको हम पलटेंगे। तो ये देखो दही में डाल रही हूँ दही बल्ले, गरम है पानी, मैं दिखाती हूँ मैं कैसे डाल रही हूँ। This is दही बल्ला। Yeah. इसके अंदर क्या डाल रहे हो? बहुत गर्म है सोना। ये क्या है? ऐसे करके डाल दी हूँ मैं, गर्म है लेकिन बहुत पानी। तो वाह मम्मा, अब ये इसमें डाल दिया मैंने, और जो मैंने अभी और बनाया है वो इस पानी में डाल देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। बहुत गर्म थे मेरे हाथ भी जल गए। ये मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा रंग लाई है, इसे मैंने अब नाम लिखा है कुहू और शोना का, और इस हाथ में लिखा मैंने अपने हब्बी का, क्योंकि मेरे लिए जितने मेरे प्यारे हब्बी उतनी मेरी प्यारी डॉल है, इनको भी मैं अपने लाइफ टाइम तक अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो ये देखिए दही कम लग रहा है, लगेगा तो और डाल देंगे, क्योंकि ये दही बल्ले इतना एब्जॉर्ब करते हैं ना दही बहुत ज़्यादा, इसलिए। फ्रेंड्स 2-3 चीज़ें बन चुकी हैं, दही बल्ला बन चुका है और मटर पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है। चलिए दिखाती हूँ, मैंने तो थोड़ा थोड़ा काम हो जाए तो अच्छा है, फिर शाम को एकदम, शाम तो होने वाली है वैसे, तो फिर एकदम वही हो जाएगा ना कि बर्डन भी पड़ेगा और थकान भी हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे करती जा रही हूँ। चावल और मैं सोचा जो भी पूड़ी वगैरह बनाऊँगी वो शाम को ही बनाऊँगी, तो जो थोड़ा बहुत हो जाता है वो मैं कर देती हूँ। तो मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बना दी है, फिर शाम को खाना वगैरह बना के मंदिर भी जाना था पूजा करने, इसलिए तैयार होके मंदिर में गए। ये देखिए, तो मंदिर में जाने के बाद बताऊंगी अपना लुक। तो मैंने बोला मंदिर में पूजा हो जाए क्योंकि अंधेरा हो रहा था। तो फ्रेंड्स अभी हम मंदिर आए हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ, आधा हुई हूँ, आधा घर जाके आऊँगी जब कथा वगैरह करूँगी। ये मेरी फ्रेंड हैप्पी करवा चौथ। तो अभी हम मंदिर में माता भगवती को दर्शन करने आए हैं और उनको सुहाग का सामान चढ़ाने आए हैं, उसके बाद घर जाएंगे, कथा करेंगे, अर्घ देंगे, तब मेरे साथ जुड़े रहिए।
फ्रेंड्स, माता को अच्छे से श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया और अच्छे से पूजा हो गई। अब घर जाएंगे और घर में चौथ माता की भी पूजा करेंगे, वो तो ज़रूरी है, कथा करेंगे, तो घर चलते हैं। पूजा होने के बाद फ़ोटोज़ तो बनते हैं एक मेमोरी के लिए। तो ये देखो फ़ोटोज़ क्लिक किए फ्रेंड के साथ, हब्बी के साथ, बच्चों के साथ और माता रानी के साथ। कुहू नहीं है, बस कुहू आई है। अच्छे से पोज मारो, हाँ हाँ पोज मारो, पोज मारो। कुहू आइसक्रीम नहीं खानी है, पोज मारो, चलो चलो पीछे के पोज मारो। देखो देखो बच्चे आइसक्रीम के लालच में कैसे फोटो खिंचवा रहे हैं, देखो कोई स्माइल, पोज मारो, कैसे कैसे फोटो खिंचवाते हैं। हाँ हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए करवा माता, चौथ माता की। देखो मैंने मंदिर स्थापित कर दिए, ये करवा, ये चौथ माता, ये दिए वगैरह भी जला दिए है। तो बस अब चांद का वेट है, तो पहले कथा कर लेते हैं। वो तो ये जो मैंने सामान चढ़ाना वो रख दिया है, तो चलिए अब हम कथा कर लेते हैं पहले। दिया उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, ऐसे ही सबके पति की रक्षा करना। जय करवा माता की जय हो। यह पूजा होने के बाद मैंने बोला थोड़ा से फोटोज ले लेते, इतने चांद निकल आएगा। तो चांद निकल आने के इंतजार में टाइम पास हो रहा है, लेकिन अभी बोले कि तुम कितने फ़ोटोज़ लोगी। मैंने बोला जितने ले सको उतने ले लीजिए। तो ये देखिए हब्बी के साथ भी फ़ोटोज़ वगैरह। सच में करवा चौथ वाले दिन तो एक ही काम ज़्यादा होता, फ़ोटोज़ लेना। तो ये पूजा करते वक्त और पूजा से पहले ये देखिए। तो फ्रेंड्स, पूजा भी हो गई है, सब कुछ हो गया और चांद भी निकल गया। अब अर्घ देने जा रहे हैं हम लोग। अर्घ वगैरह भी हो गया, अब उसके बाद भी तो फोटोज बनते ही हैं। तो ये देखो थोड़े बहुत फोटोज लेते हुए, इतने फोटोज ली लेकिन एक भी फोटो में कुहू नहीं आई है, क्योंकि कुहू हाथ में नहीं आ रही थी और इतनी एनर्जी भी नहीं थी इसके पीछे भागू। सच में कल बिल्कुल हाथ में नहीं आ रही थी, भागी जा रही थी, भागी जा रही थी। और भी ले चल। पूजा हो गई है, अर्घ दे दिया है, चंद्रमा दिखाई दी है। अब मेरा गिफ्ट की बारी, अभी मुझे गिफ्ट देने वाले हैं। चलो गिफ्ट छोटा हो बड़ा हो, प्यार से दिया होगा सारे। वाह मिंत्रा से अच्छा ही होगा। चलो पहले खोल के दिखाएं। नहीं ये आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना इसमें क्या होगा, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड्स, माता का भोग रेडी है और पूड़ियाँ निकाले हैं मेरे हाथ भी बोल रहे हैं, मैं निकालता हूँ। तो ये देखो पूड़ियाँ भी बना रहे हैं और किचन बहुत मैसी है। भोग में यही जो मैंने बिना प्याज और लहसुन की सब्जी बनाई है, ये मटर पनीर की सब्जी, पूरी और चावल और दही भल्ला यही बनाया है। उनको भोग लगाते हैं और खुद भोग अपने आप को लगाते हैं। फिर अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, बस सब कुछ बना लिया, खाने का वही डालने का झंझट हो रहा था। मैंने बोला सब कुछ लेके आओ, नहीं मैं साइड में ले लूँगी। तो मैंने बोला सब कुछ वहीं लेके जाओ, जिसने जितना लेना वो खा लेंगे, मैं दिखाती हूँ सब कुछ हम किचन का इधर ही लेके। शोना आज क्या है, करवा चौथ, इधर तो देखो दगड़ा चौथ। ये देखो एक मैडम हमारी लगी हुई है पूड़ी के साथ खाने। अभी आपको भूख लगी है, अभी तो सुबह के बाद तीन चार बार खा लिया है ना। तो फ्रेंड्स हम भी खा लेते हैं, आप भी खाइए। और ये रहा मेरा करवा चौथ का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, शोना के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना शोना। हाँ आप लोग शोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत कम सब्सक्राइबर है, उसको भी फॉलो कीजिए।
धन्यवाद फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल।